दोस्तों, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे में ठंडी ठंडी आइसक्रीम, वो भी रियल फ्रूट से बनी हो तो क्या कहने। और आमों के मौसम में आम से आइसक्रीम ना बनाई तो क्या बनाया। तो आज हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके बहुत ही स्मूथ और क्रीमी मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे, जो कि न सिर्फ टेस्टी होगी बल्कि हेल्दी और प्योर भी होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल माई गुड किचन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए बनाना शुरू करते हैं हमारी मैंगो आइसक्रीम। मेरे इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स जिससे आपकी मैंगो आइसक्रीम हमेशा सॉफ्ट और क्रीमी बनेगी और उसमें आइस क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होंगे। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 2 आम, जिनको हम इस तरह से छील कर रफली काट लेंगे। आम आप जितना पका हुआ और मीठा लेंगे, आइसक्रीम उतनी ही अच्छी बनेगी, क्योंकि इस आइसक्रीम में हम शुगर का यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए आप मीठे आम लें। तो यहाँ मैंने दोनों आमों को इस तरह से काट लिया है, रफली चॉप्ड और बड़े बड़े टुकड़े रखे हैं, क्योंकि हमें इनको ब्लेंडर में पीसकर इनकी प्यूरी बनानी है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, हमारी आइसक्रीम में सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल होगा, और वो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैंगो प्यूरी, जो हमने आमों को ब्लेंडर में पीसकर बनाई है। मैंगो प्यूरी बनाते समय भी आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आपके आमों में जूस बहुत ज़्यादा है तो आप प्यूरी बनाने से पहले इन टुकड़ों को स्ट्रेनर में रखकर जूस अलग कर लें, और अगर आमों में रेशा है तो प्यूरी को स्ट्रेनर से छान लें, जिससे रेशा अलग हो जाएगा और आइसक्रीम बहुत स्मूथ टेक्सचर की बनेगी। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है कंडेंस्ड मिल्क, जो कि मैंने 350 ग्राम लिया है मिल्क मेट का। कंडेंस्ड मिल्क ऑलरेडी मीठा होता है, इसलिए हमने शुगर का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। और हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है क्रीम। यहाँ पर मैंने अमूल क्रीम यूज़ की है 250 ml, क्योंकि वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले हमें क्रीम में से मिल्क को अलग करना है, क्योंकि मिल्क लिक्विड होता है और आइसक्रीम में क्रिस्टल्स बना देता है। तो मिल्क सेपरेट करने से आइसक्रीम का टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी आएगा। तो मिल्क मैंने अलग रख दिया है, इसे मैं किसी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी में या दाल मखनी में यूज़ कर लूँगी। और अब हम इस क्रीम को एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारी क्रीम ट्रांसफ़र कर ली है। अब हमें इसे इलेक्ट्रिक मिक्सचर की सहायता से अच्छी तरह से चर्न करना है। तो ऐसा करने से क्रीम में एयर भर जाती है और ये काफ़ी फ्लफी हो जाती है, जिससे हमारी आइसक्रीम बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। तो चर्न करते समय मिक्सर की स्पीड को आपने हाई पर रखना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सर नहीं है तो आप मैनुअल ब्लेंडर से भी क्रीम को व्हिप कर सकते हैं। और क्रीम को आपने तब तक व्हिप करना है जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक्स ना बन जाएं, और इसमें लगभग 12 से 15 मिनट का वक्त लगता है। तो ये देखिए, क्रीम अच्छी तरह से व्हिप हो गई है और इसमें सॉफ्ट पीक्स भी बन गई हैं। जब इस तरह से उठाने पर पीक्स ऐसे गिर जाती हैं, तो मतलब क्रीम प्रॉपरली व्हिप हो चुकी है। अब मैं इसे एक बार इस तरह से चलाकर इसकी सारी क्रीम निकाल लेती हूँ। और अब इस स्टेज पर हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क, और फिर मैंगो प्यूरे, और अब मैं जेंटल हैंड से इनको क्रीम में फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए, ये मिक्सचर कितना स्मूथ और क्रीमी दिख रहा है, और इसमें एक अच्छी सी ग्लेज भी आ गई है, कलर भी बहुत सुंदर आया है। तो अब हमारा आइसक्रीम मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इसे हम एक प्लास्टिक के बॉक्स में ट्रांसफर कर देंगे।
आप चाहें तो एल्यूमिनियम कंटेनर में भी आइसक्रीम जमा सकते हैं, उसमें आइसक्रीम जल्दी जम जाती है। और कंटेनर में आइसक्रीम डालते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंटेनर को पूरा ऊपर तक भरना नहीं है, इसे आप लगभग 3/4 ही भरिएगा, क्योंकि आइसक्रीम जमने के बाद थोड़ी बहुत एक्सपैंड होती है, फूलती है। तो अब हम इसको ढक्कन लगाकर जमने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इसे आप लगभग 8 से 10 घंटों के लिए जमने दें। और बचा हुआ मिक्सचर भी मैं दूसरे बोल में डाल देती हूँ और ये आइसक्रीम मैं ओवरनाइट फ्रीज होने के लिए रखूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी आइसक्रीम जम चुकी है। इसे मैंने रात भर के लिए फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रखा था और ये देखिए कितनी अच्छी जमी है। तो अब इसे सर्व करने के लिए हमें इसे आइसक्रीम बोल में निकालना है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि स्कूप करने पर प्रॉपर बॉल्स बन रही हैं। तो आइसक्रीम को मैंने आइसक्रीम बोल में निकाल लिया है और अब इसे हमें कटे हुए बादाम और पिस्ते से गार्निश करना है। और साथ ही मैं इसकी विजुअल अपील को और भी बढ़ाने के लिए मैं इसे कुछ चेरीज से टॉप कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने फ्रेश चेरीज यूज़ की हैं क्योंकि मेरे पास थी। इस सीज़न में चेरीज काफ़ी आती हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ फ्रेश चेरीज अवेलेबल नहीं है तो इसे आप कैंड चेरीज से भी डेकोरेट कर सकते हैं। आप आइसक्रीम को कैसे डेकोरेट करते हैं ये आपके ऊपर है, इसे आप अपने इमेजिनेशन से अपने मनपसंद तरीके से सजाएं। तो हमारी आइसक्रीम सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप इस सीज़न में ज़रूर बनाएं और सबको खिलाएं। और नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती हैं। अगली बार फिर आपके लिए एक नई रेसिपी लाऊंगी। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।